बच्चों हर हर महाकाल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आधा एप्पल मैंने चुन्नू को दे दिया था, आधा एप्पल मैंने मुन्नू को दे दिया था। तो 1/2 मुन्नू का, 1/2 चुन्नू का। तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यही था फ्रैक्शन बच्चों, तो यही था फ्रैक्शन। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। बाय बाय। लाइक मारो यार, तुम्हारे व्यूज देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे? ना ही सब्सक्राइब करने चैनल को। मैं तभी बनाऊंगा जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे। कर दिया? हाँ कर दिया, पूरा कर दियो। चलो गाइस पढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रैक्शंस के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इनसे ही बनता है, ये ऐसे नहीं आता। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2×7 से डिवाइड कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, नहीं कर सकते ना। तो इस पे काटा मार दीजिए। पर ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो 6/5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 5 डिनोमिनेटर जो होगा वो डिवाइडर होगा, और अंदर रखेंगे हम 6 को, 5 बन जा 5 रिमाइंडर। डिवाइड करने पे आते हैं हमारे पास 1/5। तो यही है मिक्स फ्रैक्शन। गजब 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 है फ्रैक्शंस, दिल खुश कर दिया मेरा। कसम से मैं आपको सल्यूट करता हूँ, महाकाल की कसम। जिन जिन फ्रैक्शन करते हैं पढ़ा है, मैं उनको सल्यूट मारता हूँ। मैं यहाँ 2 बच्चों के लिए नहीं आया, मैं यहाँ 4,000 बच्चों के लिए आया। 4,000 बच्चों, आप व्यूज दो, लाइक दो मेरी वीडियोस को, व्यूज दो, लाइक दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। महाकाल के आशीर्वाद से सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। आज तक तो आपने अलग अलग ये एलसीएम पढ़े होंगे, एलसीएम एचसीएफ। तो आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकाले। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 = 9, 15, 3 और 5।
एंड 21 7 और 3, तो इनमें से कॉमन हुआ 3, क्योंकि 3 सारे टेबल्स पे चल रहा है। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 3 और अब हम कर देते हैं इनको डिवाइड। तो मेरे पास आया है आंसर 12, नीचे 1 है तो फिर आंसर 12 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, देखा चुटकियों में हो गया ना, देखा क्वेश्चन का हो गया ढिंक चिका ढिंक चिका। तो एवरी संडे मैं अगले संडे मिलूंगा आपको, तो तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।